नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, प्लेऑफ में अपनी जगह सुरक्षित करने के बाद आरसीबी की टीम शीर्ष दो में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए बुधवार को यहां आईपीएल 2021 के फेज टू में हार से पस्त एसआरएच टीम के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी और यही चाहेगी कि टॉप टू में पहुँचा जाए। अपने पहले आईपीएल खिताब की उम्मीद में लगी आरसीबी टीम अभी 12 मैचों में 16 अंक लेकर तीसरे स्थान पर मौजूद है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 अंकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम दूसरे नंबर पर 18 अंकों के साथ मौजूद है। वैसे में भाइयों, आरसीबी टीम की कोशिश ये रहने वाली है कि बाकी बचे हुए मैचेस को जीत करके टॉप टू में कैसे भी पहुंचा जाए। वहीं दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले के लिए आरसीबी टीम की यहां पर प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, कौन से पिच पर इस मैच को खेला जाना है, कहां पर होगा मुकाबला, पिच रिपोर्ट क्या है, हेड टू हेड स्टैट्स क्या है, सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ आगे इस वीडियो में। तो भाइयों, अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। वहीं दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचती रहे। इसके अलावा, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आरसीबी को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी याद से ज्वाइन कर लीजिए। वहां भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगातार मिलती रहती है। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाकर वहां पर उसे भी ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप भी डेली एक आईफोन जीतना चाहते हो तो एमपीएल पर लूट मचा हुआ है। इस आईपीएल एमपीएल पर फैंटेसी क्रिकेट खेलने से आपको रोज़ एक आईफोन दिया जाएगा। तो भाइयों, लेट मत कीजिए, एमपीएल पर खेलना स्टार्ट कर दो। वहीं एमपीएल पर ग्रैंड कॉन्टेस्ट खेलेंगे तो लाखों करोड़ रुपए जीत सकते हो आप। रियल ऐप है, सबसे कम मार्जिन में आप लाखों जीत सकते हो। तो फटाफट लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लो। अब आपको टीम बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि सिर्फ एमपीएल पर आपको मिलते हैं एक्सपर्ट्स दीपदास गुप्ता जैसे, जो हर मैच का टीम आप लोगों के लिए बनाकर देते हैं। पूरा रिसर्च उनका और पूरा लाभ उनका। अभी तक मैं 20 टीमें बना चुका हूं, जिसमें से कल मेरी 18वीं टीम ने मुझे 8000 रुपये जितवा दिए हैं। आज मैं कम से कम 25 टीमें बनाकर खेलने वाला हूं। तो चलिए आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं कि टीम कैसे बनाते हैं। तो भाइयों, मेरी तरह खेलो एमपीएल और लाखों रुपये कमाओ। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद पर जीत से आरसीबी टीम का शुक्रवार को दिल्ली के खिलाफ होने वाले लीग चरण के अपने अंतिम मैच से पहले मनोबल बढ़ेगा। अगर आरसीबी टीम अपने दोनों मैच जीत लेता है तो उसके 20 अंक हो जाएंगे और उसके पास टॉप टू में पहुंचने का सुनहरा मौका होगा। दूसरे चरण के शुरू में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई से हारने के बाद आरसीबी टीम ने अच्छी वापसी की और लगातार 3 मैच जीतकर प्लेऑफ में जगह बनाई। विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी की टीम जीत का अपना यह अभियान जारी रखने की कोशिश करेगी। कोहली अभी तक बड़ा स्कोर नहीं बना पाए हैं, लेकिन उन्होंने फॉर्म में वापसी कर ली है और 2 अर्धशतक भी जड़ दिए हैं। वो काफ़ी अच्छे लय में दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ युवा सलामी बल्लेबाज पड्डिकल भी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। ये दोनों ही मिलकर टीम को अच्छी शुरुआत दिला रहे हैं। वहीं दोस्तों, ऑलराउंडर मैक्सवेल का प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने पिछले मैच में लगातार 3रा अर्धशतक लगाया था। मैक्सवेल ने 33 गेंदों में 57 रन की पारी खेली थी, जिससे आरसीबी टीम ने 7 विकेट पर 164 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था, जिसके बाद गेंदबाजों ने आसानी से बचाव किया और इस मैच को आरसीबी टीम ने जीत लिया था। एबी डिविलियर्स को इस सीजन में अधिक मौके नहीं मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उनका शीर्ष क्रम जो है कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आरसीबी के गेंदबाजों ने भी अच्छा किया है। मोहम्मद सिराज, जॉर्ज गार्टन और हर्षल पटेल तेज गेंदबाजी में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जबकि चहल ने स्पिन डिपार्टमेंट में शानदार गेंदबाजी की और अभी तक कुल 10 विकेट हासिल कर चुके हैं फेज टू में। अब इसके बाद दोस्तों, हम बात करें इस मैच की, तो ये मैच जो है आज शाम 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा। हैदराबाद और आरसीबी की टीमें आमने सामने होने वाली है। हैदराबाद के पास यहाँ पर करने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ। हैदराबाद चाहे तो मात्र इज्जत बचाने के लिए इस मुकाबले को जीतना चाहेगी। वही दोस्तों, आरसीबी टीम की कोशिश ये होगी कि इस मैच को जीत करके टॉप टू में जाने की उम्मीदों को बरकरार रखा जाए। भाइयों, हम बात करें पिच रिपोर्ट की, तो मैच जो है अबू धाबी में होने वाला है। यहाँ की पिच जो है तेज गेंदबाजों को मदद करती है और मिडल ओवर्स में स्पिनर्स भी यहाँ पर घातक साबित हो सकते हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में यहाँ पर एक बड़ा स्कोर देखने को मिला था, जब राजस्थान और चेन्नई की टीमें आमने सामने हुई थी। फर्स्ट इनिंग का एवरेज टोटल स्कोर है 161 रन। 161 रन यहाँ पर बनते हैं नॉर्मली। बात करें दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड स्टैट्स की, तो दोनों ही टीमों के बीच में फिलहाल अभी तक 19 मुकाबले खेले गए हैं। आरसीबी टीम ने मात्र 8 जीते हैं, जबकि हैदराबाद की टीम ने 10 मुकाबले जीते हैं। एक मैच का नतीजा नहीं निकला था। तो भाई, यहाँ पर एसआरएच की टीम थोड़ा सा आगे है हेड टू हेड स्टैट्स में, लेकिन आरसीबी टीम यहाँ पर फॉर्म में है। आरसीबी टीम का दबदबा जो है जारी है। अब इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं कि इस मैच में टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, कौन से वो 11 खिलाड़ी होंगे जो खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं।
हैं। बात करें चेंजेस की, तो चेंजेस में शायद से यहाँ पर भाइयों हसरंगा जो है आरसीबी टीम की प्रैक्टिस कैंप में प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए थे, तो चांस शायद बन रहा है कि हसरंगा खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि खेलेंगे तो किसकी प्लेस पर खेलेंगे, क्या क्रिश्चियन की प्लेस पर हमें खेलते हुए दिखाई देंगे या फिर जॉर्ज गार्टन की। गार्टन तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो शायद वो बाहर नहीं जाएंगे, क्रिश्चियन ही बाहर जा सकते हैं और हसरंगा टीम में आ सकते हैं। अबू धाबी का मैदान थोड़ा सा लंबा भी है, ऐसे में हसरंगा टीम में आ जाएंगे तो टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी साबित हो सकता है। वहीं हम बात करें प्लेइंग 11 की, तो अगर आरसीबी टीम चाहे तो यहाँ पर चेंजेस नहीं भी करना चाहेगी, पिछले मैच के विनिंग कॉम्बिनेशन को सेम रखना चाहेंगे। पहले दो ओपनर्स होंगे विराट कोहली और पड्डीकल, इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर खेलेंगे KS भरत, 4 पर खेलते हुए दिखाई देंगे मैक्सवेल, 5 पर डिविलियर्स, 6 पर क्रिश्चियन या फिर हसरंगा, 7 पर खेलेंगे जॉर्ज गार्टन, 8 पर शाहबाज अहमद, 9 पर खेलेंगे हर्षल पटेल, 10 पर सिराज और 11वें नंबर पर चहल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। ये होगी हमारे सबसे आरसीबी टीम की प्लेइंग 11 आज की। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वही दोस्तों, अगर अभी तक आपने MPL ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाकर इस ऐप को डाउनलोड करो और आज से ही खेलना शुरू कर दो। यहाँ पर आपके पास डेली जो है एक आईफोन जीतने का मौका मिल रहा है, तो भाई लेट मत करो, खेलना शुरू कर दो।